मेरे दृष्टिकोण में वहाँ सिवाय पाखंड के और कुछ नहीं हो रहा। इन लोगों को बाबा नहीं कहते, ये तो लूट मार करते। भगवान कभी किसी के भी कष्टों का हरण करने के लिए किसी भी शुल्क की नियमावली नहीं बनाते हैं। ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, ना कि इस तरह के ढोंगी बाबाओं के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। करौली धाम में आपकी कितनी आस्था है? बिल्कुल आस्था नहीं है, उन्होंने कोई आस्था नहीं है। जो अपने आप को स्वयं शंकर जी बताते हैं उन ऐसे व्यक्तियों को तो बिल्कुल आस्था नहीं होनी चाहिए, किसी की नहीं होनी चाहिए, हमारी क्या। अब उन्होंने फिर 2.5 लाख रुपए कर दिए, कोई पत्रकार भी नहीं जा सकता। जिस देव स्थान पर किसी भी रोग से परेशान व्यक्ति के आने पर उसकी निरोगी काया की मनोकामना है तो कोई महात्मा बैठकर 2.5 लाख 3 लाख रुपए ले रहा हो, मेरे दृष्टिकोण में वहाँ सिवाय पाखंड के और कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि भगवान कभी किसी के भी कष्टों का हरण करने के लिए किसी भी शुल्क की नियमावली नहीं बनाते हैं कि उन्हें कोई भी चीज़ चाहिए हो। ईश्वर तो देने के लिए बना है, लेने के लिए नहीं। और अगर ये धर्मशास्त्र के हमारे महात्मा जन हैं तो ये भी देने वाले होने चाहिए, लेने वाले नहीं। इनको धन की क्या आस्था? जो महात्मा धन की ओर भागे वो महात्मा ही नहीं, मेरे दृष्टिकोण में। करौली सरकार कितनी आस्था है? हमारी आस्था नहीं है हमारे यहाँ किसी की, करौली वाले बाबा कोई आस्था नहीं है। बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? बाबा कोई अच्छे बाबा नहीं है। बाबा वो होते हैं जो संत महात्मा होते हैं, उन्हीं को बाबा कहते हैं। इन लोगों को बाबा नहीं कहते, ये तो लूट मार करते हैं, पैसा हड़पना, इधर करना, अपना बनाना, दूसरे का बनाते थोड़ा ना, ये तो सब दिखावा है। बाबा पूजा के नाम पे 2.5 लाख रुपए लेते हैं। बाबा पूजा के नाम पे 2.5 लाख का ही पूजा पे इतना लगता है क्या? हैं, सबको लूटते हैं। पूजा करानी है तो आदमी पूजा कराएगा तो पैसा दे ही कि कराएगा क्या? 2.5 लाख नहीं है किसी के पास तो क्या पैसा ही देगा? 2.5 लाख 3 लाख ये क्या है, लूटना है? ये तो लूट मार कर रहे हैं, अपना खजाना भर रहे हैं। बाबा अपने लोगों को बैठा के पूजा करते हैं क्या? अपने लोगों को बैठालते होंगे तभी तो, उन्हीं की भाषा हम बोलते हैं वो लोग। कानपुर में करौली बाबा है, क्या आप उनको जानते हैं? हाँ, मैंने कुछ समय पहले उनका एक वीडियो देखा था जिसमें वो ओम शिव बैलेंस बोल के लोगों को ठीक करते थे। आपकी किसी तरीके की कोई आस्था है क्या उन पर? नहीं, मेरी किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं है, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। क्या वीडियो में क्या देखा था आपने? वीडियो में ये देखा था कि कोई डॉक्टर साहब आए हुए थे और उनके क्या बाबा जी से ये कह रहे थे कि कोई चमत्कार करके दिखाइए, लेकिन बाबा जी ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि उनको अपने ही लोगों द्वारा, मतलब वो ये सब कुछ झूठ है। हाँ, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, ना कि इस तरह के ढोंगी बाबाओं के ऊपर विश्वास रखना चाहिए जो कि पैसा लेकर लोगों को ठीक करते हैं बिना दवाई के। उनका तो कहना है कि तमाम जो इस तरीके की जो लोगों में बीमारियाँ होती हैं वो सही कर देते हैं। नहीं, ये ऐसा कहना गलत है। ऐसा कोई आज तक मुझे मरीज नहीं मिला कि जो उनके माध्यम से, सिर्फ उन्हीं के आश्रम में ही लोग रह रहे हैं वही ठीक हुए हैं, बाहर आकर कोई ऐसा व्यक्ति आज तक हमें अपने जीवन में नहीं मिला। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जिसमें पहले वो हवन बीमारी के पहले वो 1.5 लाख रुपए लेते थे, ये वीडियो वायरल होने के पहले, अब ऐसा बताया जाता है कि अब वो हवन कराने का और पूजा पाठ का वो 2.5 लाख रुपए लेते हैं। हाँ, मैंने भी उनकी कुछ खबरें वगैरह देखी थी तो जिनके माध्यम से मुझे भी ये मालूम चला कि पहले बाबा जी ओम शिव बैलेंस बोलने के लिए 1.5 लाख रुपए लेते थे, अब उसी के 2.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कोई सुविधा शुल्क की भी ले रहे हैं बाबा जी? हवन में तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा 1,000-1,500 रुपये का खर्चा आता होगा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले नवरात्रि चल रही थी तो बहुत से तमाम लोगों ने अपने घर में भी माता का हवन वगैरह करा, मेरे क्या भी हुआ तो मुझे मालूम है कितना खर्चा आता है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।